हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एजाज एक्सप्लोर विद सीट से मुखातिब हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। हाँ, ये मैं इस वक्त एमजी रोड पर खड़ा हुआ हूँ, आप लोग सब देख सकते हैं। ये बाजी वक्त शाम में और जब ट्रॉलर जाते हैं तो बहुत बिजी हो जाती है रोड, तो इसके हल के लिए मेरी सजेशन ये है कि दियारी एक्सप्रेस वे को इधर की तरफ उतार दिया जाए या कोई रास्ता बनाया जाए तो ताकि वो फिर इलेक्ट्रो और डिफेंस और बोर्ड बेसर की तरफ जा सके आसानी से। तो हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि इसका भी मसला हल किया जाए, वरना लियारी एक्सप्रेस वे का सारा मामला चौपट हो जाता है जब ट्रॉलर चल रहे होते हैं। और अगर लियारी से कोई तरीका डायरेक्ट यहाँ पर उतारा जाए ट्रांसपोर्ट का, तो लोगों को आने जाने में नॉर्थ की तरफ और सुपर हाईवे की तरफ बहुत आसानी होगी और वहाँ से यहाँ एमटी रोड पे और डिफेंस इलेक्ट्रन को करने में बहुत सुकून रहेगा। आप ये देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, ये हर वक्त बिजी रहती है और ये बहुत ग्रैंड भी है और बहुत सी चीज़ें हैं इधर, बिजी रहता है पूरा रास्ता। और बस हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि इसको सजेशन को समझें कि एमटी रोड पे किसी तरह से लियारी एक्सप्रेस वे या कोई रास्ता दिया जाए जिससे फिर आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं लहरिया कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये आप जो देख रहे हैं रोड, ये शाम के वक्त यहाँ से जब लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं या लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उनको, और यहाँ एक एक घंटा फंस जाता है या कोई प्रोग्राम वगैरह फोर ग्रैंड पे या न्यूयॉर्क के जो भी होते हैं उसमें बहुत रश होता है। इस तरफ एक रास्ता जाता है और एक ये नीचे से जाता है, ये नेटी जेटी की तरफ जाता है, ऊपर से वो आगे की तरफ जाता है, लेफ्ट साइड पे माइकुलाची की तरफ जाता है, गुलबाइफ की तरफ जाता है और लियारी एक्सप्रेस वे। ठीक है, जैसे ऊपर जोड़ा हुआ है ऐसे इसको ऊपर से इसको किसी तरह लिंक दे के लियारी एक्सप्रेस वे को एमटी रोड पर उतार दिया जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं